लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के जनपद गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आज जनपद गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 14 फरवरी को हुए हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इलाहाबाद की पूर्व एमएलसी एवं वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद धर्म के गुरु साध्वी प्राची जी ने भाग लिया एवं लोगों को संबोधित किया। साध्वी ने अपने संबोधन में सीधा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब कांग्रेस की चाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ये हमला करवाया है। साध्वी ने कहा कि इसकी सत्यता की जांच के लिए कांग्रेस के लोगों को नार्को टेस्ट कराने की मांग की। साध्वी ने अपने संबोधन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी के नार्को टेस्ट कराने की दलील दी। साध्वी ने ये भी कहा कि ये सब रॉबर्ट वाड्रा पर हो रहे जांच से मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही मानवाधिकार युवा संगठन के ट्रस्टी महासचिव प्रशासनिक श्री मनीष सिरोही, RWA अध्यक्ष किशन चौहान एवं पूर्व निगम पार्षद कपिल भी मौजूद रहे। सिंपैथी रही है पाकिस्तान के साथ शुरू से लेकर, उसी का परिणाम है कि हमने अपने लाखों सैनिक को दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी अभी मुझे पता चला है और ये बात सच है, मणिशंकर अय्यर क्या लेने जाता है बार बार, ये सोनिया गांधी के रिमोट से, राहुल गांधी के रिमोट से सिद्धू गले मिल रहा है ना। प्रियंका गांधी 7 फरवरी को बाढ़ की जांच चल रही थी, उससे देश का ध्यान हटना चाहिए, किसी भी तरह हटना चाहिए। प्रियंका गांधी 7 फरवरी को दुबई के अंदर आर्मी के चीफ से बैठ करके मीटिंग कर रही है, ये आखिर किस मुद्दे पर मीटिंग चल रही है? जो हिंदुस्तान का विरोधी देश है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान के दुश्मनों से कैसे गले मिले जा रहे हैं, हिंदुस्तान के दुश्मनों से कैसे सीक्रेट मीटिंग किस लिए की जा रही है? इन लोगों का, कांग्रेसियों का इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हिंदुस्तान के सैनिकों को ये शहीद करा रही है कांग्रेस, इसकी रणनीति है, इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए। एक वो अलगाववादियों की जो तमाम सेवाएं आप छीन ली है, सिक्योरिटी भी छीन ली है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया तो मना का, आपका मोदी सरकार ने अहम कदम उठाया इस पर। ये मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे सेना को खुली छूट कर दी, बहुत अच्छा कदम है। और दूसरा जो ये अलगाव जनपद गाजियाबाद से रत्नेश सिंह की रिपोर्ट। को हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया, ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। उनको मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ उन सैनिकों को जिन्होंने ये साहसपूर्ण कदम लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बात तो होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के नमक हराम लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, दिल उनका अभी भी पाकिस्तान में पड़ा है। ऐसे ही नमक हराम लोगों से पूछना चाहती हूँ, 70 साल से बात ही तो कर रही थी कांग्रेस, 70 साल से जो बातचीत हो रही थी कराए है, ये बातचीत के जरिए तो ही, अब कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, अब तो केवल लहू का बदला लहू होना चाहिए, अब तो बारूद से हमला होना चाहिए, अब कोई बातचीत हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर कोई बातचीत की बात करे उसकी जबान काट देनी चाहिए। मेरे देश के सैनिक मर रहे हैं, देश के 40-40 सैनिक शहीद हो रहे हैं और ये बातचीत की बात करते हैं। 40-40 विधवाएं जिस देश में विलाप कर रही है, इजराइल जैसा उस पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, हमें इजराइल भी हमारे साथ है, इसलिए इजराइल जैसा हमला होना चाहिए। एक बात ये भी है कि चीन जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि चीन भारत को